चला था? डब्बा ही पिघल गया। ओह शिट यार, ये देखिए सारी खराब करेंगी। देखो जी चीनू जी ने आज पार्किंग दी जगह लभी है, सो ज्यादा यह साइकिल आया इत्थे पार्क हैगा। टायर वो डाला, तेल डाला है ना। और अभी हम पी रहे हैं हमारी इवनिंग टी। मौसम बड़ा सुहाना है और हम अभी पी रहे हैं अपनी ग्रीन टी। ये लेके जा रही है। सो गाइज सोफे आ चुके हैं और उससे पहले हमारे जो ओल्ड सोफाज हैं उसको हम करेंगे शिफ्ट, क्योंकि वो अभी तक सेल नहीं हुए हैं। सो जब तक ये सेल नहीं होते हैं तो अब तक हमको उनको रखना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल इनको एक जगह शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि न्यू सोफा जो है वो यहीं पर हम लोग सेट करेंगे, फिक्स करेंगे। सो इसको भी हटाते हैं। इधर जगह नहीं है ना, इसके ऊपर रख दो ना। अभी इसको उठा के इसके अंदर डालना ना, ये तो इसको इसको उधर को कर दो। अरे नहीं, वो उधर दूसरा आएगा ना। सो हमारा नया सोफा आ गया है। लेटर बॉक्स से नहीं नहीं सर लगा नहीं, लगा कट ना गया हो ना। नहीं कटा नहीं, मैं देखा जो लगा था। हाँ 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 लगा। पीछे कर दो थोड़ा, जितनी ये दीवार है ना। नहीं मैडम पीछे कर दो, ये आगे। नहीं नहीं अच्छा अच्छा, बना हुआ ना पिलर है ना। नहीं आगे सेम ही पिलर होते ना, आप दिया ना सेम ही नहीं। अच्छा देखो दोनों लगे इतनी मेहनत करने में। पुराने वाले जो है वो सेट नहीं हो रहे तो मेहनत में लगे हुए दोनों। दोनों लगे सेट करने पर। सही वेरी गुड। तो देखने आएगा तो अच्छा मिलेगा। सो गाइस हमने ना सोफियों का शोरूम खोल लिया है। सब दो सोफे हो चुके हैं हमारे पास। एक है ब्रांड न्यू जो हमारा खुद का, और ये वाला सेल पे डाला। और बड़ा मस्त है यार, कलर बहुत बढ़िया लग गया है ना। थोड़ा डार्क है, गंदा भी नहीं होगा, सब रहेगा। चॉइस किसकी? मेरी। कलर की तो मेरी। इसकी जो फॉर्म है वो बहुत बेस्ट है ना। हाँ ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा हो गया। अच्छा लग रहा है। बस हमारा सोफा आ गया जी फाइनली। कितने टाइम पहले मैं तो 6 मंथ्स बनाना बड़ा मुश्किल है भाई, पैसे खर्च होते ने करने पहने है ना। और बढ़िया लगता है। और ये जो पीछे की जो डेकोरेशन है वो उस पर बहुत मैच कर रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सो अभी तो करेंगे सेटिंग सारी, जब सारी ये वाला भी सोफा जो पुराना निकल जाएगा, स्पेस काफी हो जाएगी। ये जो है ना स्टाइल, ये एक्चुअली इस घर में फिट हो रहा था, वो वाले सोफे का स्टाइल फिट नहीं हो रहा एक्चुअली, है ना। अब वो जगह खुली, ये अभी चले जाएगा। तो जो सोफा है, सोफा का बेड है, और अभी पूरी तरह से फील लेगा यहाँ पे कि मैं बस खाना पीना मूवी सब यही है, थिएटर बना लिया तुमने तो इसको, है ना। कौन इरिटेट कर रहा है बार बार, कौन घंटियां मार रहा है बार बार? वो देखियो कहाँ है आरुष, यार दिख नहीं रहा मेरे को, आया नहीं आरुष। ओ आरुष तो वहाँ छुपा हुआ है, मुझे भी नहीं दिख रहा। चलो चलो अंदर, आया नहीं आरुष, नहीं आया। चलो आरुष तो है ही नहीं, आरुष नहीं है। देखियो ना 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 ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आरुष सी आर न्यू सोफा, न्यू सोफा, वाह ये। इसको कब निकालोगे? लगाया जब निकल गया, जब निकल जाए। क्या अच्छा लगा? नहीं सोफा तो अच्छा लगा, पर सबसे अच्छा क्या लगा? सोफा अच्छा बनाया यार। हाँ बहुत स्टडी है। अच्छा है, देखिए हमारे इधर ऐसी बनवाया होता ना, जगह ऐसी बहुत बच जाती जगह, सही है ना। कलर भी नेक्स्ट मॉर्निंग। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या हुआ? जलाता डब्बा ही पिघल गया। ए नहीं सी यार, माइक्रो वाला दिखाया कितने पिघलिया। ओह शिट यार, ये पॉपकॉर्न बनाया भैया साहब, अमेजिंग। पॉपकॉर्न अच्छे बने, मत खिलाना इसका वो प्लास्टिक का, वो नीचे गया ना जहर, वो हो जाएगा। टेस्ट कर। ओए रुक जा, गरम है। बेटा ये देख क्या किया आरुष, ये देख, ये देखिए सारे खराब करेंगी। पता सी ना कि ये माइक्रोवेव वाला नहीं है, किसी पता नहीं सी, मैंने आइडिया नहीं सी, बहुत बार यूज किया है ना। और क्या करोगे? ये रख दो बेबी। आरुष गरम है, गरम है बेबी। सो गाइस पॉपकॉर्न तो आपने देख लिए कैसे बने हैं, तो फिलहाल हम दोबारा से पॉपकॉर्न बनाने जा रहे हैं, बट इस बार हम बनाएंगे कुकर में, क्योंकि माइक्रोवेव में नहीं होता, इट्स कुकर। ओके सो कुकर में बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कांच का जो बर्तन था वो पैक था, तो हमने वो खोला नहीं, तो इन्होंने प्लास्टिक में बना दिया। तो आपने देखा वो प्लास्टिक चिपक गई है, पॉपकॉर्न तो खराब ही हो गए। सो अभी बन रहा है, खा लिए पर हाँ वो ऊपर से जड़े चुगे चुगे सी वो खा लेने के की कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करते चीनू कोई भी चीज, है ना। सो पॉपकॉर्न बनाने के बाद हमारा प्लान बन रहा है, यहाँ पर रोशनी आ रखी है, आरुष है, स्वीटी बैठी है पीछे। सो हमारा अभी प्लान बन रहा है हॉरर फिल्म देखने का, बट हॉरर फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न खाएंगे तो मजा अलग ही है। सो गाइज आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज आई थी मेरे लास्ट व्लॉग में रिगार्डिंग सोफा की, सोफा कहाँ से लिया है, कैसा है, वो थोड़ा डिटेलिंग में हम आपको दिखाएं और बताएं। तो मुझसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन अभय करेंगे, तो अभय खोल, मतलब जो हमारी स्टोरेज वगैरह वो भी आपको दिखाएंगे और एक्सप्लेन भी कर देंगे। रेडी? चलो फिर। तो ये सोफा हमने बनाया है, सोफा की फैक्ट्री से, रादर देन शोरूम से लेते हम, हमने फैक्ट्री से लिया, तो ये हमें पड़ा काफी सस्ता। अब इसमें फर्स्ट है, आरुष इधर हो जरा, दिखा दें साइड। ओए तो इसमें फर्स्ट है स्टोरेज, काफी अच्छी खासी स्टोरेज है ये ऐसे। सो गाइस जो स्टोरेज है वो काफी अच्छी खासी स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, काफी सारा सामान आप इसके अंदर डाल सकते हो, उठाना भी आसान है, बहुत इजी है उठाना। इन्होंने इस तरह से ना साथ में ये हैंडल दे रखा है इन्होंने, तो इसको उठाना और यू नो बंद करना बहुत इजी है, और बहुत ही लाइट है एक्चुअली है, आप बहुत इजीली इसको दोबारा से इस तरह से लगा सकते हो। और जो सेकेंड चीज है जो मुझे अभय को चाहिए थी और जो बेस्ट पार्ट है इस सोफे का, वो है इसका बेड, जिसको हम सोफा कम बेड कहते हैं, और ये भी बहुत इजी है निकालना, ज्यादा तामझाम नहीं है इसमें। और ये इस तरह से बेड बन जाएगा। तो अगर आपका मतलब लिविंग रूम में आपका टीवी है तो आप आराम से यहाँ पर सो के भी देख सकते हो, जैसे कि हमारा है। अभी यहाँ पर मतलब आराम से बैठ के कंफर्टेबल होके फिल्म वगैरह कुछ भी देख सकते हैं, जो हम अभी देखने वाले हैं। सो हॉरर फिल्म, हाँ बाकी क्या है आरुष, हॉरर फिल्म। ओके, प्राइस इसका हमें पड़ा 27,000, मार्केट में 50,000 के करीब पड़ता है इसका प्राइस। पर फैक्ट्री आउटलेट है, वहाँ से बनवाया। मेरे को भी नंबर आलोक नहीं दिया था, तो वो फैक्ट्री है, वहाँ पे बनाते हैं लोग। तो आप जाओ, कपड़ा चूज करो, उनको डिजाइन दिखाओ। हमने डिजाइन अमेजोन पे देखा था, तो हमने सेम कॉपी उनको दिखा दिया, तो उन्होंने सेम डिजाइन हमें बना के दिया। ये एक्चुअली और बड़ा हो जाता है, ये स्टाइल है इसका। ये मेरे को चाहिए था तो मैंने बनवाया। इसको हटा दो तो ये सोफा और बड़ा, काफी लंबा हो जाता है सोफा। हाँ, पर ये आप हटा सकते हो, पर मेरे को ये अच्छा लगा। और इसका जो हमने कपड़ा जो चूज किया वो है वेलवेट। सो पर्सनली हम दोनों को वेलवेट बहुत ज्यादा पसंद है। तो दूसरी चीज ये है कि अगर हम सीधा फैक्ट्री से यू नो सोफा वगैरह या बेड वगैरह कुछ भी डायरेक्ट बनाते हैं तो हमको काफी सस्ते रेट में पड़ता है, क्योंकि जब ये चीजें शोरूम में पहुंच जाती ना तो वो आई थिंक डबल रेट में जाके वहां पर बिकती हैं। तो इस सोफे का जो अभी प्राइस होगा वो 55,000 से कम नहीं होगा, जो हमको इतना सस्ते में 55,000 तक ही। काफी सारे अमेजोन पे भी सेम सोफे हैं, बट अगर आप पता ऑनलाइन खरीदते हो सेम सोफा मिल जाएगा आपको, इससे सस्ता मिलेगा। बट उसमें बेड और ये स्टोरेज नहीं होगी, स्टोरेज भी नहीं है। बट आई थिंक उसकी जो वुडन होगी वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, और इसमें जो भी ये स्पॉन्ज वगैरह इन्होंने लगाई है यू नो वो भी इतनी ज्यादा अच्छी और स्ट्रांग नहीं होगी। और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है, हमें मिली है 5 साल की वारंटी, और उन्होंने कहा 10 साल तक ये सोफा कहीं नहीं जाने वाला। अगर कुछ हो गया तो वो सब अपने आप को ठीक करके देंगे, राइट। सो आई होप आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब हम जा रहे हैं बनाने पॉपकॉर्न, क्योंकि आज देखी जाएगी हॉरर फिल्म। पॉपकॉर्न है कहाँ पर अभय? सो यहाँ पे हो रही है मूवी देखने की तैयारी। पॉपकॉर्न नहीं मिल रहे, कहाँ है यार? चिनो जी, पॉपकॉर्न के नाम पे हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। 4 पॉपकॉर्न है, अब बोला जा रहा है कि इसी पे बनाना है। तो क्या डालना, तेल डालना, घी डालना? अभी उन्होंने 2 स्पून डाला था। हाँ। देखियो क्या ही बनेंगे यार, थोड़ा बहुत तो बनी जाएगा। मतलब 2 घंटे की फिल्म है तो दो 4 सबके हिस्से में आएंगे। और थोड़ा सा बस थोड़ी सी डालना पड़ता है। अभी इतना बड़ा कुकर है, पॉपकॉर्न देखो कितने से, खाने वाले कितने लोग हैं। यार वैसे देखे जाए तो ज्यादा ही है। नहीं यार रोशनी, अबे कितना 4 बंदे कहाँ खा लेंगे यार। 2 स्पून मैंने डाला था, उसमें इतना हो गया ना। ये सामने झूठ बोला जाता है। छोटा कुकर है वैसे, छोटे कुकर। अरे मैंने बड़ा कुकर इसलिए लिया, मुझे लगा पॉपकॉर्न ज्यादा होंगे तो फूल जाएंगे, तो बड़ा कुकर ले लिया। चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ही ढक दे, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। ओए फूल रहे हैं, बंद कर दो यार। खुशी 4 है क्या? 4 है, वो भी तू ऐसे उछाल के गिरा देगी। सड़ा नहीं है, बना बहुत अच्छा है। पर 4 पॉपकॉर्न थे, जिसमें से 10 बाहर निकल के गिर गए और वेस्ट हो गए। अब सबके हिस्से में 2-2, 3-3 पॉपकॉर्न आएंगे। और देख स्वीटी, उसको बंद करके हिलाते हैं। तेरे को कुछ नहीं आता यार, लाइक नहीं आता मेरे को बनाने। ये देखो जी, बेस्ट फ्रेंड की लड़ाइयाँ ऐसी होती रहती है पूरे दिन। मेरा जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन। देख लो जी, यहाँ हाल कीता का पॉपकॉर्न बनाए सीगे ते ये पूरा जला दिया गया है। पहली बार बनाया सी तुसे? नहीं, बहुत बार बनाया। ये प्लास्टिक गल तला आ गया, वो थल्ले वाला डब्बा सी में उत्ते वाले चकले। पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। अबे अपने ओट्स बना लो, फिर मैं खाना देगा। मिस रोशनी इधर आइए। ये कौन सी जगह है भाई बहन बैग रखने की? ऐसे कौन बैग रखता है किचन में? मैं। सो गाइज, ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं फिल्म देखने। अभी मैं आगे का व्लॉग तो नहीं बना पाऊंगी। अब मैं आपको कल सुबह मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।